एक तो टैक्टिक के तौर पर कि तुमने जंगी हिकमत अमली के तहत तुम पीछे हो, ताकि उनको मजीद मुकाबले में इन्वॉल्व करके शिकस्त दे सके। फिर तो बात सही है, उन्होंने दीन के मुकाबले में एक जंग निजामी बर्पा की हो, अस्करी जंग या उसकी सकाफती जंग, मुआशरती जंग, सियासी जंग, किसी भी तरह की इक्तसादी जंग। अगर तो तुम अपने जंगी तदबीर के तहत जाहिरन पीछे हटे हो ताकि वो मजीद इन्वॉल्व हो और फिर उनकी साजिश में उन्हीं को गिरफ्तार करके शिकस्त दे दो, उनकी चाल उन्हीं पर उलट दो, फिर तो सही है। या अगर तुमने पीछे किसी गिरोह के साथ मिलना है ताकि मिलकर मुकाबला कर सको और किसी और को अपने साथ मिलाकर मजीद मजबूती के साथ मुकाबला कर सको, फिर तो तुम उस वक्त उस मैदान को तर्क कर सकते हो वक्ती तौर पर, क्योंकि तुम्हें पलटना है, एक्चुअली इनके ऊपर हमलावर होना है, फिर तो सही है। लेकिन अगर इसके अलावा किसी भी वजह से कोई भी मैदान जहां पर खुदा के दीन के मुकाबले में मैदान सजाया जाए, तुमने उस मैदान से पीठ फेर ली, तुम बच्चों को पढ़ाने में लगे रहे, तुम बीवी बच्चों को खिलाने में लगे रहे, तुम दर्स तदरीस देने में लगे रहे, तुम जरबा जरबू करने में लगे रहे, तुम तरावी पढ़ने में लगे रहे, तुम मातम करने में लगे रहे, तुम सजदे करने में लगे रहे, तुम दर्स तदरीस में लगे रहे, तुम अपने बिजनेस में लगे रहे, तुम अपनी फैमिली को बिल्ड करने में लगे रहे, मैदान खाली रहा, दुश्मन मैदान में आ चुका और मैदान तुम्हारी तरफ से मैदान खाली रहा, तुमने मैदान को पीठ दिखाई हुई है, तो याद रखो होगा क्या। फकत बा बेगदब मिन अल्लाह व मा वाउ जहन्नम व बेसल मसीह। तो ऐसा करने वाले ने अल्लाह ताला के गजब को खरीद लिया बाकायदा, यानी अब इसको फरार का मौका नहीं मिलेगा, मुमकिन है तौबा का मौका भी नहीं, क्योंकि खुद खरीद लिए इसे, इसने सौदा किया है। मैदाने मुकाबला के अंदर, मुकाबले के मैदान के अंदर जहां नबर्द करनी थी वहां आसाइश खरीद ली इसे, आसाइश आसाइश, पीठ फेरा पीठ फेरी, ये कीमत दी इसने, किसने पीठ फेरी वहां से, किस लिए गर्ज क्या थी, क्या आसाइश हासिल करे, अपना आराम देखे, अपने आप को बचाए। तो नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि तुम जब पीठ फेरोगे तो उसके नतीजे में खुदा का गजब खरीदोगे, वबाओ बेगदबिल्लाह। और फिर तुम्हारा ठिकाना क्या होगा, वमावाउ जहन्नम, तो तुम जहन्नम में जाओगे। फिर तुमने जितने नारा हैदरी लगाने लगाते रहो, जितने नारा रिसालत लगाने लगाते रहो, जितने मिलाद करने हैं, उर्स करने हैं, मजलिसें करनी है, अदादारियां करनी है, अगर जब दीन के मुकाबले में खुदा के दीन के दुश्मन मैदान सजा दें और तुम्हें उस मैदान में हाजिर होना था, दीन का दिफा करना था, और वहां से पीठ फेर ली, तो फिर तुमने खुदा का गजब खरीद लिया, फिर तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, वबेसल मसीह, और बहुत बुरा ठिकाना, सबसे बुरा ठिकाना। अगली आयत में